हेलो दोस्तों, आज हमारा फिर से न्यू वीडियो है। नंबर सीरीज चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 5 16 51 158 बॉक्स। ऑप्शन देखिए 6 39 6 41 481 483। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे सॉल्व करते हैं बिना समय बिताए हुए हम लोग। ठीक है, अगर हमारा कहता है 5 16 51, ठीक है, तो अगर 5 × 3, ठीक है, और प्लस 1 करते हैं, ठीक है, 5 × 3 15 + 1 = 16। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट हो गया, देखिए 16 यहाँ है, ठीक है। सेकंड क्या चाहिए, 51, यहाँ करिए 16 × 3 हमारा क्या 48, ठीक है, और प्लस कितना हो गया दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कितना हो गया, जितना ये नंबर है उतना ही, ठीक, यानी 51 देखिए सेकंड। ठीक है दोस्तों, थर्ड हमारा क्या पूछता है, 158, तो 51 × 3, ठीक है दोस्तों, 3 15, और इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ 1 है, यहाँ 3, यहाँ 5, ठीक है, हमारा हो गया 158, जैसा कि 3 वाला। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्या है, देखिए आप यहाँ हमारा क्या बढ़ा, 1 + 3 + 5, ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ 2 का डिफरेंट है, यहाँ भी 2 का डिफरेंट, तो यहाँ भी 2, यानी प्लस यहाँ 7 हमारा होगा, ठीक है, हमारा कितना है दोस्तों, 158 प्लस, ठीक है दोस्तों, × 3, ठीक है दोस्तों, हमारा हो गया 4, यहाँ 2 हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 7, और यहाँ पर हो गया 3 और एक 4, ठीक है। अब हमारा क्या है दोस्तों, प्लस 7, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो गया 7 4 11 8, ये 4, ठीक है, हमारा हो गया फोर्थ का, हमारा हो गया 481, ठीक है, इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और देखिए 481 कहाँ है दोस्तों, हमारा यहाँ देखिए ऑप्शन में है सी नंबर, यहाँ भरिए 481, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों एकदम स्टेप टू स्टेप समझाए। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, देखिए 2 3 10 15 26 बॉक्स। ऑप्शन देखिए 37 35 50 48, ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए फर्स्ट है 2, ठीक है, हमारा क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर + 1, यहाँ हो गया 1 + 1 = 2, देखिए फर्स्ट हो गया, ठीक है। सेकंड है 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 4, लेकिन हमको क्या चाहिए 3, तो -1 करते हैं, तो हमारा हो गया 3, जैसा कि सेकंड। फिर क्या है हमारा दोस्तों, 10, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर 3 3 9, फिर हमको क्या चाहिए 10, तो +1 = 10, यानी थर्ड, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या है, 15 चाहिए, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 16, और यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमको 15 है, तो -1 यानी 15, ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ का हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हमें दोस्तों, अब हमको चाहिए 26, अगर ये 5 का स्क्वायर 25, फिर +1 करते हैं, तो हमारा 26 यानी फिफ्थ का। अब हमारा क्या है दोस्तों, तो यहाँ 1 है 2 3 4 5, तो हम 6 देखते हैं, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करते हैं, तो हमारा क्या है 36, और यहाँ देखिए दोस्तों, एक प्लस एक माइनस एक प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर माइनस, ये हमारा हो गया 35, ठीक है, यानी 6, यानी कि 35 इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 35 हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 1 2 10 37 101 बॉक्स। चलिए ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए
अगर हमारा पूछ रहा है वन के बाद क्या है टू, तो हम इसे कैसे करेंगे दोस्तों? अगर हम जीरो का स्क्वायर करते हैं, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन इजकल टू हमारा वन यानी फर्स्ट का, सेकंड पूछ रहा है टू, तो वन का स्क्वायर प्लस वन यानी वन प्लस वन इजकल टू टू सेकेंड हो गया। फिर हमको पूछ रहा है टेन, ठीक है दोस्तों टेन का क्या होगा, तब थ्री का स्क्वायर करते हैं, थ्री थ्री जै नाइन प्लस वन इजकल टू टेन, ये हो गया थर्ड, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या पूछ रहा है 37, अगर हम फोर का स्क्वायर करते हैं, ठीक है फोर का स्क्वायर तो हमें कितना है दोस्तों, हमको फोर का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है तो हम फाइव का करते हैं दोस्तों, तो ये हो गया 25, तो हम सिक्स यहाँ कर देते हैं, ठीक है हमारा सिक्स का 36 और प्लस वन इजकल टू 37 जैसे कि फोर, ठीक है दोस्तों। यहाँ जीरो है वन यहाँ थ्री, ठीक है यहाँ देखिए दोस्तों जीरो वन थ्री सिक्स, यहाँ एक बढ़ा यहाँ दो, ठीक है दोस्तों यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार बढ़ेगा यानी 10, ठीक है तो हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए चार बढ़ा यानी 10, यहाँ पर 10 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों ये हो गया हमारा 100 प्लस वन यानी 101 यानी फिफ्थ का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको 10 है यहाँ पर हमारा क्या दोस्तों 5 यानी 15 बढ़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों हम यहाँ करेंगे 15 का स्क्वायर, ये हो गया 225 और प्लस वन यानी 226, ये सिक्स, ठीक है तो 226 इज ए राइट आंसर, ठीक है। और ये देखिए हमारा 226 इज द राइट यानी 25 नहीं दोस्तों 20, ये डी वाला आंसर हो गया, और ये हमारे यहाँ ऑप्शन क्या है 226, ठीक है इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दोस्तों कहते हैं कि 4 3 4 9 16 18 बॉक्स, ठीक है चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। अगर हम करते हैं इसको दोस्तों, अगर 7 है तो 3 4 9 16 81 और ये बॉक्स करते हैं, ठीक है तो ये देखिए 3 है, तुम्हारा क्या है 3 3 जै स्क्वायर यानी 3 × 3 9 और यहाँ पर हो गया दोस्तों 9 का स्क्वायर यानी 81, ठीक है। अब ये 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिखते हैं, फिर 16, ठीक है दोस्तों फिर यहाँ पर ये 81 लिखा हुआ, फिर यहाँ पर हमारा ये बॉक्स पूछ रहा है, यहाँ पर हम क्या है दोस्तों हमारा 9 है तो 4 4 जा ठीक है स्क्वायर 4 4 जा 16, यहाँ पर हमारा 16 का स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों यानी 256, ठीक है दोस्तों यानी ये होगा 256, ठीक है इज ए राइट आंसर, ठीक है बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों। अब यहाँ देखिए 256 का है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बोलिए लिखिए दोस्तों 256 इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 132 129 124 117 106 93 बॉक्स, ठीक है ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखिए पहला हमारा क्या है 132 129 124 117 106 और 93, ठीक है दोस्तों और ये बॉक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ 32 में से कितना माइनस करेंगे कि ये हमारा हो गया 29 में, 32 में -3 करेंगे तो 29 आ जाए, ठीक है 29 में -5 करेंगे तो 24, ठीक है देखिए दोस्तों स्टेप टू स्टेप 24 में -7 करेंगे 714 मानी 19, ठीक है फिर यहाँ दोस्तों 7 में 9 हो गया दोस्तों यानी 11 हमारा, ठीक है
उसके बाद हमारा क्या है दोस्तों, 106 है ठीक है, इसको हम कितना माइनस करेंगे यानी 13 ठीक है। अब हम यहाँ कितना माइनस करें दोस्तों, तो ये देखिए माइनस टू ठीक है दोस्तों, यहाँ पर -4 7 4 11 हो गया, तो फिर माइनस यहाँ 2 ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ 2 बार -2 आया, फिर 4, फिर यहाँ -2 है, तो एक बार और -2 है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है -4 ठीक है, माइनस हम 4 करते हैं ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना है दोस्तों, 17 माइनस करेंगे ठीक है दोस्तों। अगर हम -17 करते हैं, जैसे 93 है, इसमें हमको जैसे ये दोस्तों हमारा देखिए 122 है, इसमें हमें सब पहला प्लस में दोस्तों, सॉरी प्लस में ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे ठीक है 93, तो ये हमारा कितना है दोस्तों 76, यानी रॉन्ग है दोस्तों, ये हमारा सभी माइनस ही है ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये सब माइनस हमारा होता है ठीक है। तो ये भी हमारा माइनस है, यानी माइनस में ही होगा, तो यानी -76 ठीक है इज ए राइट आंसर ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, और ये हमारा 76 ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 4 196 16 4 4 36 164, ऑप्शन देख सकते हैं, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं ठीक है। तो हमारा क्या होगा दोस्तों 416 ठीक है, 4 196 16 144 36 164 बॉक्स ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों ये कितना है, 4 क्या है हमारा 2 का स्क्वायर ठीक है, फिर इसको देखिए ये हमारा 4 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, और ये हमारा 8 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया ठीक है दोस्तों, ये हमारा 196 ठीक है दोस्तों, यानी 14 का स्क्वायर, फिर ये हमारा 12 का स्क्वायर ठीक है दोस्तों, ये हमारा 10 का स्क्वायर। तो अब यहाँ हमारा क्या होगा दोस्तों, 8 का इसमें हम माइनस कर रहे हैं, यानी यहाँ देखिए 12 10 -2 -2, फिर यहाँ पर हमारा -2, तो -2 हमारा कितना होगा दोस्तों 8 ठीक है, तो -2 का क्या होगा हमारा दोस्तों, यहाँ पर 8 का स्क्वायर ठीक है, 8 = 64, तो हमारा क्या होगा दोस्तों 64 ठीक है इज ए राइट आंसर ठीक है, इज ए राइट आंसर ठीक है दोस्तों। और 64 देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में है ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा 64 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही बेहतरीन तरह का सवाल है दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।